हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठाकरे परिवार में डायपर बदल राजनीति के सिरमौर संजय राउत को उनकी परिवार भक्ति का शिवसेना में भरपूर इनाम मिला है और उन्होंने सियासत में एक नई पाठशाला का शुभारंभ भी किया है कि महज स्तुति गान करके भी राजनीति में अपनी जगह बनाई जा सकती है। कहते हैं शिवसेना और भाजपा के रिश्तों में मट्ठा डालने में उनकी एक अहम भूमिका रही है क्योंकि उनके तार एनसीपी नेता शरद पवार से कहीं गहरे जुड़े हैं और यही वजह है कि उन्होंने विगत जून में ही ये आवाजें उठानी शुरू कर दी थी कि पवार को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं इस कदर हिलौरे मारने लगी कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगने लगा कि वे प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। उनका सपना टूटा तो वे अस्पताल में भर्ती हो गए। सुशांत सिंह राजपूत के असमय मौत के मामले में अनाप शनाप बयान देने वाले राउत अचानक से उत्तर भारतीयों की नजर में एक खलनायक के तौर पर अवतरित हो गए हैं। उत्तर भारतीय लोग उनकी शख्सियत से इस कदर आहत है कि सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी शिवसेना को शबसेना के नाम से पुकारा जाने लगा है। जब आदित्य ठाकरे से उन्होंने ज्यादा लाड़ दिखाना शुरू किया तो छोटे ठाकरे के भी बोल बिगड़ने लगे और भाजपा की डिजिटल आर्मी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और बेचारे आदित्य ठाकरे को राहुल के बाद दूसरा पप्पू साबित करने की होड़ सी मच गई। उन्हें सोशल मीडिया पर बेबी पेंगुइन के नाम से भी पुकारा जाने लगा। यानी राउत ने आदित्य के साथ वही कर दिया जैसे खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। शेरो शायरी के शौकीन राउत ट्विटर पर अक्सर उधार के शेर मारा करते हैं, जैसे हालिया दिनों में उन्होंने कहा कि बारिशों में भी घर जलते हैं। अब जिन्हें आदत है चिंगारियों से खेलने की तो आग और धुएं से उनके राग को सहज समझा जा सकता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।